सावन के तीसरे सोमवारी को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में लाखों कांवरिया और शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित किया। इस दौरान पूरे अजगैबीनाथ नगरी में हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गुंजायमान हो गया। बिहार, झारखंड, नेपाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से आए शिव भक्तों ने पहले उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इसके बाद लाखों कांवरियों ने भी गंगा जल लेकर पैदल और वाहनों से बाबा धाम यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट, मंदिर परिसर और कांवरिया पथ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। स्थानीय पंडितों ने कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। उन्होंने बताया कि सावन के तीसरे सोमवारी को लाखों कांवरिया और शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। वहीं पुलिस कर्मियों और ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने भीड़ को नियंत्रित किया और बारी बारी से सभी भक्तों को पूजा कराने में मदद की। इधर नगर परिषद ने गंगा घाट की साफ सफाई युद्ध स्तर पर 3 शिफ्ट में कराई, जिससे भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो। जी बहुत बहुत अच्छा, यहाँ का बहुत अच्छा, यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छे है, बहुत हेल्प कर रहे हैं उधर नहाने वाने में। सावन का तीसरा सोमवारी है, क्या मांगे बाबा भोलेनाथ से इस बार? धन दौलत ऐसा उत्साह है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर में जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उसको लाइन वाइज हम लोग लगवा करके महिला लोग को अलग और जेंट्स लोग को अलग करवा रहे हैं। एक बार महिला लोग को एंट्री करवा रहे हैं, अगला बार जेंट्स लोग करवा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारा महिला लोग को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया है ड्यूटी के लिए, और बहुत लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सुल्तानगंज प्रखंड में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को 57 लाख रुपए का लाभ भी प्रदान किया और आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही खेल मैदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग के साथ मिलकर मंत्री श्रवण कुमार ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया, जिसके बाद नगर परिषद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में किया गया। वहीं मंच का संचालन पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि को अजगैबीनाथ मंदिर का मोमेंटो, अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों की मदद कर रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सके उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना और बकरी पालन शेड के माध्यम से रोजगार के लिए जोड़ा जा रहा है। वहीं खानपुर पंचायत में कचरा प्रबंधन योजना का भी लाभ दिया गया। सोमवार को सुल्तानगंज प्रखंड में 57 लाख रुपए का लाभ ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास, युवा जदयू जिलाध्यक्ष रजनीकांत, प्रखंड अध्यक्ष सदानंद सिंह, सुधीर प्रोग्रामर, भाजपा नेता संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी एवं NDA के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज का तो कार्यक्रम आपने देखा कि किस तरह से गरीबों को, 10 गरीब लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का आज उनको स्वीकृति दिया है। 10 ऐसे गरीब परिवार जो बकरी पालन से जुड़े हैं उनको बकरी पालन के लिए सेट दिया है। ऐसे काम जो और भी जो कचरा प्रबंधन का काम किया है, वो ये जो प्लास्टिक यूनिट हमारा है उसका आज शुभारंभ किया है। तो अनेक ऐसे कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिससे गांव और गांव के गरीबों को और खास करके जो वंचित लोग हैं उसको इसका लाभ मिल रहा है। आवास दिया, बकरी शेड दिया, अभी आंगनबाड़ी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहाँ घाट का निर्माण हुआ है और कई तरह के एक्टिविटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है उसको मूर्त रूप देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भी आप लोगों का जो सुझाव रहेगा उसके हिसाब से पंचायत में जो खेल का मैदान होना है उसका क्या लक्ष्य रखा गया, कब तक सभी पंचायत में खेल मैदान बन जाएंगे? जहाँ जहाँ सरकारी जमीन है सब खेल मैदान बना दिए, जहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और शहरी क्षेत्र में जो शहर का छोटे है प्रखंड मुख्यालय का वहाँ खेल विभाग की तरफ से बनेगा खेल मैदान।
अब तो खेल मंत्रालय भी बड़ा काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर खेल क्लब बना रही है, ग्रामीण जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने की किताबें पाल कर रही है, तो हम लोग भी मन रहे। सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत संत नगर की रहने वाली महिला रीता देवी ने सबौर पुलिस पर घर में घुसकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला रीता देवी ने बताया कि रविवार की देर रात सबौर पुलिस उसके बेटे बजरंगी मंडल को खोजने घर आई थी, लेकिन जब उसका बेटा नहीं मिला तो पुलिस ने घर में मौजूद बजरंगी की पत्नी और माँ के साथ बेरहमी से लाठी डंडे से पिटाई कर दी। वहीं पुलिस की पिटाई से वृद्ध महिला को गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद सोमवार को पीड़ित महिला रीता देवी कार्रवाई की मांग को लेकर समाहरणालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बिना महिला पुलिस के उनके साथ मारपीट की है, जिसमें पुलिस का फाइबर वाला डंडा भी उसके घर में ही छूट गया। इधर पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी श्री राज ने बताया कि पीड़ित महिला द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सामने ऊपर देखिए, हाँ तो के लो चलो, कौन कौन पुलिस चलो, कौन थाना रहो? केकरा खोजे ले लो छले? बजरंगी मंडल को। केच के बजरंगी मंडल? बजरंगी मंडल हमरो बेटा आज के की कर लो छौ? अब की करना छौ, परकार छे 10 साल 20 साल हो छे परका नै जने छे कुछ, अब मसेल गा हाथी दुरम छे घर, दुरम घर लेने छे जमीन था मसनी हिन्ना रे छे का पुतवा लगन में रहे छे करी खिला जे ना पुतवा। तो पुलिस के डंटा तोरा पास कैसे आबि गेलो? पुलिस छोड़ी कहे दमकाल के छलिए, बस हमरे दमता छी नहीं नलके हम कलियन के हम बचाल करिए नहीं फेबल का मरल के बस है बचाए खतरा बचाए दमता छी नहीं कुना फेकी दल का बस तब फलियो छुटी गले के तब देखल के मारल काम कथी से मारना चला दिया सब फेबल से। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाली गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर, मोबाइल नंबर 6200643686। यूपी की रहने वाली एक महिला अपने दो बच्चे के साथ भटककर भागलपुर के मिर्जान आठ स्थित छत्रपति तालाब के समीप मंदिर पहुंच गई, जिसके बाद रोती बिलखती महिला को देख स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने महिला से बात कर उसके घर वालों से संपर्क साधा, जिसके बाद परिजनों ने भागलपुर आकर महिला को अपने साथ ले जाने की बात कही। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि महिला अपने दो बच्चे के साथ मंदिर परिसर में रो रही थी, जिसके बाद उसे भोजन कराया गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर मौजूद डायल 112 के अधिकारी ने बताया कि महिला के घर वालों से संपर्क हो गया है और जल्द ही महिला को बच्चे के साथ उसके घर भेज दिया जाएगा। ये लेडीज यूपी गोरखपुर खगरा हाट पार की रहने वाली है, गलती से ये भागलपुर चली आई है, तो उनको डायल 112 के माध्यम से घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह यहाँ फवाद दरबार में पहुँच गया होगा, हम लोग देखे यहाँ पूरा ही रो रहा था, हम लोग पूछे खैर रो रहा है, बोला मेरा घर यूपी बहुत दूर है, छोटे में भटक के यहाँ तक हम पहुँच गए, पूरा रोने लगा, बोला भूखते हैं, खाना नहीं खिलाए, खाना पीना खिलाए,
पर नहाए नहला दिए, फिर 112 तो फोन किए, 112 आया, 112 दोबारा घर पहुँचाने का जो काम है तो होगा। किस समय आई थी महिला? ये आने से तो हो गया है, 1:00 है, 1:15 आया है। भागलपुर में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के द्वारा समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी होमगार्ड जवान शामिल हुए। धरना पर बैठे होमगार्ड जवानों की मांग है कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन मिले। वहीं बिहार रक्षा वाहिनी संघ के जिला सचिव विभास कुमार झा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में राज्य के गृह रक्षकों को कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता और पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई। वहीं धरने में शामिल लोगों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो वे सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के फैसला है कि समान काम का समान सुविधा देने का, लेकिन आज सरकार हम लोगों कुछ फैसले को पालन करने में लापरवाही कर रही है, जिसके बाद मजबूरन संघ को बाध्य होकर हम लोग आज आंदोलन पर उतरे हुए हैं। हम लोगों का भत्ता 2017 में बढ़ाया गया, 17 से अभी तक में 8 वर्षों के बीच में सभी विभाग के सभी कर्मचारियों का भत्ता दोगुनी, अनेक प्रकार के सुविधा दिया गया, लेकिन हम गृह रक्षकों का 8 वर्षों से अभी तक किसी भी प्रकार का मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। सरकार के कुछ पदाधिकारियों द्वारा हमारी जायज मांग को संविधान के नियम कानून को दिग्भ्रमित करते हुए भरम फैलाकर आज हम पीड़ित शोषित गिरक्षकों को आंदोलन के लिए मजबूर होकर आज धरनों पर बैठे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भागलपुर के एक निजी होटल में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एनडीए के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं संवाद कार्यक्रम में आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में और केंद्र में एनडीए की सरकार है, इसलिए भागलपुर के लोगों की समस्याओं और संभावनाओं को समझने के लिए इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊँचा रहना चाहिए और उसके साथ नियमित संपर्क बनाए रखना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। का उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जी, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वही जो हमारे भागलपुर के जितने हमारे साथी हैं उनके साथ हम लोग संवाद करें, क्या क्या चीजें हैं इस क्षेत्र की, क्या क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में चर्चा किया जाए, जिससे कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे जो साथी हैं, उनका मनोबल ऊंचा रहे। राजनीति में देखिए एक बात समझिए कि राजनीति में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और संवाद चलते रहना चाहिए, जिससे कि आप जो जमीन पर हमारे कार्यकर्ता हैं वो जो अपनी बात रखते हैं उनसे आप रूबरू होते हैं और आप अपनी बात उनके साथ रखते हैं, एक बढ़िया तालमेल बैठता है और आगे जो है कैसे और बेहतर काम किया उसकी संभावना। अब आगे की इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी सर, जो बचा हुआ आज की बैठक की, हम लोग जो है आगे हमारे जितने भी बिहार में या हमारे खासकर जो भागलपुर है उतने हमारे विधानसभा के जितने सब जगह हम लोग कार्यकर्ताओं से अपना संवाद रखते हैं और हम लोग उनके सुख दुख में खड़ा रहे, इसको हमको लोगों के लिए कार्यकर्ताओं को आश्वस्त नहीं करना होगा। कार्यकर्ता ही जो है ना वो जो है जमीन पर रहता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे पार्टी का संगठन का काम हो, तो उसमें बढ़ चढ़ करके वही हिस्सा लेता है, उसकी अपेक्षा नहीं है जो नेता है उनके पास जाए, उनके साथ संपर्क करें, उनके साथ संवाद करें। अब संवाद कार्यक्रम में आप उसके साथ सरकार चला, आपके अगले पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता नहीं है? देखिए इसमें पार्टी की बात नहीं है, हम बता रहे हैं भाई तो हम सबके साथ संवाद करते हैं ना, सिर्फ हम लोग पार्टी लाइन पर चल रहे हैं तो देखिए बिहार है ना, आज हमारे साथ नहीं है कल छुटे, हमको पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सब हमारे जेडीयू को भी साथ ही है।